हिंद दोस्तों तो स्वागत करते हैं इस वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कि अगर आप एक सी ए सी भेज ली है तो सी सी पोर्टल से कैसे बाइक टू व्हीलर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करेंगे वो भी बजाज एलियान्च जनरल इंश्योरेंस कंपनी से चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या करना है पोर्टल को लॉग कर लेना है लॉग करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखिए इंशोरेंस पे क्लिक कर देना है और जैसे इंश्योरेंस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको कर्सर ले कर आना है और यहाँ से आपको क्या करना है ड्रैग करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए मोटर थर्ड पार्टी लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक कीजिएगा तो तमाम कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा आपको मैं सिखाऊँगा आज बजाज से तो यहाँ पर बजाज देख लेना कि बजाज देखिए रिलायंस आई बजाज एलियन से जनरल इंश्योरेंस इस पर क्लिक कर लेना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जैसे लिंक पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएगा और लॉगिन भी डिजिटल सेवा पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही डिजिटल सेवा पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि टू व्हीलर थर्ड पार्टी आपको सेम उसी पर टू व्हीलर थर्ड पार्टी पर क्लिक कर लेना है चलिए दोस्तों मैं टू तो पिलर थर्ड पार्टी पे क्लिक कर ले रहा हूँ और जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आएगा पर यहाँ से लिख लेना है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद दो, दोस्तों टोटल यहाँ पे व्हीकल से डिटेल आपको फिल कर लेना है चलिए मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ से गाड़ी तो का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं लिख लूँगा तो हमारे यहाँ का ये आपका कोड हो गया गाड़ी का जो भी और यहाँ पे देखिएगा आपका ऑनर बुक में जो होगा वहीं आपको लिखना है सेम राइट तो जो भी होगा एस पी क्यू आर जो भी होगा आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख लेना है अगर यहाँ डब्लू है यह तो डब्लू लिखना है जो भी मतलब है वो आपको यहाँ से फिल कर लेना है और उसके बाद और बगल में एक बार क्लिक कर देना दोस्तों जैसे ही क्लिक कीजिएगा और ये न्यू वाला अगर बाइक होगा अभी के जो मॉडल नंबर होगा ऑटोमेटिक आपको खींच कर और यहाँ पे ला देगा आपके सामने चलिए वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं सर्चिंग कर रहा है अभी अगर सही होगा आपका बाइक नंबर तो यहाँ से ऑटोमेटिक ही आ जाएगा ठीक चलिए दोस्तों यहाँ से अगर सर्चिंग नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट स्टेप कैसे क्या करना है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको ड्रैग करके नीचे आना है आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है स्टेप बाई स्टेप तो देखिए अगर पहले से आप बीमा वगैरह किए होंगे तो यहाँ से आ जाएगा किस्त वगैरह बाकी और यहाँ से कंपनी के नाम चूज कर देना है जो भी गाड़ी का कंपनी जैसे हीरो हो गया ठीक हीरो का कौन सा है, स्प्लेंडर है कि कौन सा है तो यहाँ से आपको चूज कर देना है जो भी गाड़ी उनका होगा हीरो यहाँ से मैं ले लूँगा हीरो और यहाँ से ये यह गाड़ी के ले लूँगा ठीक हीरो होंडा चलिए ये हीरो के हो गया हीरो का आपको गाड़ी आई स्मार्ट जो भी है यहाँ से ले लेना है और लेने के बाद दोस्तों यहाँ से अगर इसका उपक्रम होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आटो डायरेक्ट एस स्मार्ट का एस आता है तो एस ही रहने देंगे और यहाँ से दोस्तों पिन कोड डालेंगे कहाँ के तो जहाँ का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी के वहाँ का पिन कोड डाल देंगे जैसे वितिए का है तो चौरासी चौवन अड़तीस ई हो गया ठीक उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेचिस नंबर डालेंगे और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे इंजन नंबर डालेंगे चलिए मैं चेचिस नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद इंजन नंबर डाल देता हूँ और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको जो जिस मॉडल का जिस ईयर का गाड़ी है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक डेट होता है उसको यहाँ पे आपको क्या करना है सिलेक्ट करना होगा चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन का डेट ठीक तो जो भी जहाँ जिस टाइम में आपको और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ये कोई भी एक डेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो उनके ऑनर बुक में है ठीक अगर पीछे का कोई बीमा बाकी है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पॉलिसी नंबर एक्सपायरी डेट वगैरह आपको लिख देना है नहीं तो न्यू आप काटिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कस्टमर का आपको नाम फिल कर लेना है ठीक कुछ भी नाम होगा यहाँ से कस्टमर का जो भी आपका मोबाइल होगा तो यहाँ से आपको फिल कर लेना है फिल करने के बाद यहाँ से भीली अपना ई मेल को यहाँ से लिख लेंगे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ नॉमिनी के नाम जो भी नॉमिनी होंगे जैसे ये एक नॉमिनी के नाम मैं लिख दिया और क्या उनका रिलेशन है तो फादर जो भी होंगे और यहाँ से विलेज का नाम आपको लिख लेना है और यहाँ से पोस्ट और यहाँ से पीएस लिख लेना है ठीक यहाँ से आपका पिन कोड हो गया ठीक राइट और पिन कोड जैसे लिखिएगा तो यहाँ से पोस्ट ऑफिस का आप चूज कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ से ये ले लूँगा पिन कोड डायरेक्ट यहाँ से पोस्ट ऑफिस को आपको चूज कर लेना है जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो यहाँ से चूज कर लेना है ठीक तो चलिए मैं जो भी चौरासी और यहाँ से पोस्ट ऑपिक चूज कर लूँगा चूज करने के बाद दोस्तों क्या करना है अगर परमानेंट एड्रेस यही है तो छोड़ देना नहीं तो परमानेंट एड्रेस अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके एक स्टेप डाल सकते हैं चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ छोड़ने के बाद यहाँ से प्रोसीड पर मैं क्लिक करूँगा पेमेंट के लिए और जैसे ही दोस्तों प्रोसीड्यूट पर पे पेमेंट के लिए आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए किस तरह के इंटरफेस आपके सामने आता है और स्टेप बाई स्टेप आप लास्ट तक देखते चलिए ठीक ये देखिए पॉलिसी पौ, प्रोफोजल नंबर यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉपी कर लेना है अन्य तो आपको लिख लेना है आगे चल के काम आएगी ठीक और ये देखिए आपका रीडायरेक्ट होकर कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आने के बाद दोस्तों देखिए होता क्या है आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा ठीक यहाँ पे पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे ही पे पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे सी एस सी का पासवर्ड डालेंगे और सी एस सी का पासवर्ड डाल के वैलिडेट करेंगे चलिए मैं सी एस सी का पासवर्ड डाल के और वैलिडेट करके आपको दिखा रहा हूँ ठीक वैसे मैं सी एस सी पासवर्ड को डाल ले रहा हूँ और ये देखिए चलिए ये आपका सी एस सी पासवर्ड हो गया पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे पहले डेट पे क्लिक कर दूँगा और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने जो पिन वॉलेट होगा यहाँ की क्लिक करके और पे कर देना है और दोस्तों जैसे ही पे कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं तो पी डी एफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर देना फिर से ओके कर देना है ये देखिए आपका एक एक स्टेप बाई स्टेप देखते चल रहे हैं उसके बाद देखिए पॉलिसी यहाँ से आपको ओपन करके और कस्टमर को प्रिंट करके यहाँ से दे देना है ठीक है दोस्तों तो? तो आपको या तो टोटल प्रिंट कर सकते हैं नहीं तो देखिएगा टू या फोर्थ थ्री नंबर आपको पेज को प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है थ्री नंबर पेज पे टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये देखिए मैं उसी प्रिंट को पेज को प्रिंट करके देऊँगा कस्टमर को तो देखिए कौन सा पेज थ्री नंबर पे और यहाँ से मैं प्रिंट करके कस्टमर को दे दूँगा तो सेम उसी प्रोसेस से आपको भी स्टेप बाई स्टेप कर लेना है और कोई भी हेल्प होगा तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दूँगा वहाँ से आप सर से हेल्प ले सकते हैं कि कैसे स्टेप बाई स्टेप आपको बीमा को करना है मतलब बाइक का इंश्योरेंस करना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग